हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति SMP नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखा है और ये तीनों क्वेश्चंस BHU BSC एंट्रेंस के अलावा अन्य कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं वह BHU BSC एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन यह है। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π मॉड कॉस एक्स dx इज, ऑप्शन है -2, 2, 0 and 4। तो यहाँ पर जरा देखें, जो गिवन इंटीग्रल है 0 to π मॉड कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉस एक्स की वैल्यू है वह 0 to π के बीच में, जब 0 to π/2 रहता है तो प्लस होता है, और जब π/2 से π के बीच में होता है वैल्यू एक्स की, तो वहाँ पर कॉस निगेटिव होता है। तो इस तरह से इस इंटीग्रल को हम लोग 2 पार्टों में ब्रेक करेंगे, 0 to π/2 मॉड कॉस एक्स dx प्लस π/2 to π मॉड कॉस एक्स dx। इस तरह से इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर लेंगे। तो 0 to π/2 के बीच में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 कॉस एक्स dx, मीन्स यहाँ से मॉड हट जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, π/2 से π के बीच में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ से जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखेंगे π/2 to π, यहाँ पर जो माइनस लगेगा वो उसको हमने पहले लिख दिया, और यहाँ पर यह हो जाएगा cos x dx इस तरह से। अब हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा sin x लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, यहाँ पर जरा देखेंगे cos का sin x, और यहाँ पर लिमिट फ्रॉम π/2 to π। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, यहाँ माइनस है माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे साइन π माइनस साइन π/2। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए साइन π/2 मीन्स साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से यह हो जाएगा -1। और इस तरह से 1, और ये देखेंगे यहाँ से यह माइनस माइनस प्लस 1, और i = हो जाएगा 2। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/π मॉड कॉस एक्स dx की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी मॉड से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर जो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका आप फैक्टर कर लीजिए। तो जब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का देखेंगे, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3। इस तरह से जब इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस
थ्री आएगा। मीन्स इसको अब हम लोग मॉड में इस तरह से लिख सकते हैं, देखें डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू मॉड एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब यहां से आप बड़े ही आराम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पर इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो देखेंगे जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, व्हेन एक्स इज लेस देन वन देन दिस गिव्स निगेटिव, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन देन वी गेट पॉजिटिव। तो मीन्स दिस इंटीग्रल कैन बी ब्रेक इंटू टू पार्ट, इस तरह से इसको ब्रेक कर देंगे 0 to 1 मॉड एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 मॉड एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। इस तरह से इसको दो पार्टों में ब्रेक कर देंगे। अब यहां से ये जो वैल्यू आएगा, जब ये मॉड है और यहां पर भी ये क्या है, मॉड है, जब यह मॉड से बाहर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा 0 to 1 मॉड हटाएंगे तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, मॉड हट जाएगा तो यहां पर आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री और डी एक्स, यहां पर ये माइनस साइन आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 1 to 2 के बीच में पॉजिटिव मिलेगा, तो इसलिए यहां पर मॉड हट जाएगा। इस तरह से यह हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री डी एक्स। आप देखेंगे इसको जब हमने इंटू किया था तो यही है ही, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू माइनस डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं इंटू कर प्लस यहाँ पर जाए देखिएगा 1 to 2 इसको जब इंटू करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब इसके बाद इसका इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रल करने के बाद इसकी लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जरा देखें जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो इस तरह से आएगा, ये माइनस पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू करेंगे तो टू टू से कट जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री का आएगा माइनस थ्री एक्स और यह लिमिट लगा दिया 0 to 1, ये माइनस साइन पहले है, यहाँ पर यह हो जाएगा प्लस और इसकी भी वैल्यू पूरी की पूरी यही आनी है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 यहाँ पर है 1 to 2। अब इसके बाद वैल्यू रखेंगे, देखेंगे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या मान मिलता है। तो यहां पर जरा देखें ये माइनस साइन लगा दिया और जब एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो यहां से मिलेगा 1/3, यहां पर रखेंगे तो 1 मिलेगा तो प्लस 1, यहां पर रखें तो माइनस 3, अब बाकी जब यहां पर जब 0 रखेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। इस तरह से यह पहले पार्ट को हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू टू रखना है, एक्स इक्वल टू टू रखेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 और यहाँ पर 2 रखेंगे 4 + 4 और यहाँ पर रखेंगे तो -6। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस साइन लगाकर तब एक्स इक्वल टू वन रखना है, तो देखिए ये लगाया हमने माइनस साइन और यहाँ पर रखा एक्स इक्वल टू वन, तो जब एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/3, यहाँ पर रखेंगे तो +1 और यहाँ पर रखेंगे तो -3 और इस तरह से यह ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा देखेंगे यह हो जाएगा -1/3 -1 +3 माइनस बाहर है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा यह +8/3 और प्लस यहाँ पर जाए देखिएगा 4 और 6 को हल करेंगे तो -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब यहाँ से देखिएगा ये माइनस है, अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, -1/3
माइनस वन और ये प्लस थ्री। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर जरा देखिएगा, पहले थ्री थ्री को जो अपान थ्री है देखेंगे, यहां पर माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री और यहां पर एट बाई थ्री। तो जब इसको हल करेंगे तो आएगा सिक्स बाई थ्री। और यहां से जरा देखिएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू और माइनस टू, यहां पर है माइनस फोर और थ्री प्लस सिक्स। इस तरह से यहां पर देखेंगे ए यहां से आएगा टू और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो प्लस टू, तो आई इक्वल टू आ जाएगा फोर। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी वह फोर आएगी और इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह BHU BSC एंट्रेंस वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम वन बाई ई टू ई मॉड लॉग एक्स प्लस वन dx, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, इस इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। देखेंगे वन बाई ए टू ई लॉग एक्स मॉड में dx प्लस वन बाई ई टू ई वन dx, इस तरह से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, मॉड लॉग एक्स की वैल्यू देखेंगे वन बाई ई से वन तक नेगेटिव होती है, तो इस तरह से इसको भी दो पार्टों में ब्रेक करेंगे। देखेंगे इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम वन बाई ई टू वन मॉड लॉग एक्स dx प्लस वन टू ई मॉड लॉग एक्स डी एक्स प्लस वन बाई ई टू ई वन डी एक्स। अब देखेंगे यहां पर जो लॉग मॉड लॉग एक्स है, तो वन बाई ई से वन के बीच में जो लॉग की वैल्यू है वह नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि लॉग एक्स वन से छोटे मान के लिए नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। जब यह मॉड से बाहर आएगा तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा माइनस लॉग एक्स डी एक्स, और यहां से ये तो पॉजिटिव होता है वन से ई, इसलिए यहां से भी मॉड हटा देंगे और इसको लिखेंगे लॉग एक्स डी एक्स। और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसका इंटीग्रल बस ऐसे ही लिख देंगे। देखेंगे वन डी एक्स वन बाई ई टू ई। अब यहां पर देखेंगे लॉग एक्स का इंटीग्रल, लॉग एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। यहां पर हम आपको साइड में करके बता देते हैं कि लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। जैसे यहां पर जरा देखेंगे, यहीं पर देख लें लॉग एक्स का इंटीग्रल, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का इंटीग्रल ऐसे नहीं होता, इसमें वन से इंटू कर लेते हैं और डीएक्स, इसको सेकेंड फंक्शन बनाते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं और फिर लिखते हैं। देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल है, तो देखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल dx, इस तरह से देखेंगे यहाँ से आएगा एक्स लॉग एक्स और यह कट जाएगा, आएगा वन dx, वन dx मीन्स एक्स, तो देखेंगे एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। तो इस तरह से जो लॉग एक्स का इंटीग्रल आता है वह एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू
रखा जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, देखिए इस तरह से यह आ जाएगा आई इक्वल टू, देखिए माइनस साइन पहले है तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और इसका लिमिट लिमिट है इसका वन बाई ए, यहाँ पर ज़रा देखेंगे लिमिट यहाँ पर है वन बाई ए टू वन, तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई ए टू वन। अब उसके बाद इसका दूसरा पार्ट लिखेंगे तो दूसरे पार्ट का जो लिमिट हो जाएगा देखेंगे इस तरह से प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वन टू ए वन टू ए, अब प्लस देखेंगे वन है तो वन का इंटीग्रल होता है एक्स, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वन बाई ए टू ए इस तरह से। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे और देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें यह माइनस है और यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो वन लॉग वन माइनस वन, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो देखें माइनस साइन लगाया और ये लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स की जगह वन अपान ए लॉग वन अपान ई, और यहाँ पर माइनस वन अपान ई, इस तरह से यह आएगा। पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया प्लस यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट को ज़रा देखें, एक्स की जगह ई रखिए ई लॉग ई माइनस ई, अब उसके बाद एक्स की जगह वन रखेंगे तो यहाँ पर वन रखेंगे तो वन लॉग वन, यानी यहाँ से आएगा देखेंगे ये माइनस लगा लॉग वन, और यहाँ से आएगा माइनस वन, और प्लस ये तीसरा ब्रैकेट यहाँ पर है तो तीसरे ब्रैकेट की जगह हम लोग लिखेंगे देखेंगे एक्स की जगह ई और माइनस वन अपान ई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से जो आई की वैल्यू है देखेंगे लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से यह पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे माइनस ब्रैकेट के बाहर है अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से यह हो गया प्लस वन, और यहाँ से यह हो गया प्लस वन अपान ई लॉग वन बाई ई, और यहाँ से देखेंगे ये तो प्लस हो गया तो यहाँ पर आएगा माइनस वन अपान ई, और यहाँ से ज़रा देखिएगा माइनस ई लॉग ई, लॉग ई की बेस ई पर वैल्यू वन होती है तो यहाँ से देखेंगे ई इंटू वन, और यहाँ पर ये माइनस ई, और यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर ये लगेगा प्लस, यहाँ पर ई लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू वन, और यहाँ पर माइनस ई, आगे देखिएगा ये माइनस, अंदर का सभी साइन चेंज हो जाएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो, और ये माइनस माइनस प्लस वन, और यहाँ से यह है प्लस ई माइनस वन अपान ई। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यह ई और यह ई कट जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान आपको रखना है कि लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है और लॉग ई की वैल्यू बेस ई पर वन होते हैं। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे वन और वन, यहाँ से मिला टू, और यहाँ से वन अपान ई वन अपान ई, यहाँ से मिला माइनस टू अपान ई, और इसके बाद यहाँ से देखेंगे यह ई यही एक तो कट गया, यहाँ से एक ई और बचा है तो प्लस ई। अब यहाँ से इसको ज़रा देखिएगा ये कितना आता है, यहाँ पर यह पोर्शन बचा हुआ है तो देखेंगे प्लस वन अपान ई लॉग वन बाई ई, इसको देखिएगा टू माइनस टू अपान ई प्लस ई, यहाँ से ज़रा देखिएगा ये प्लस ई है और प्लस वन अपान ई, इसको लिखेंगे लॉग वन माइनस लॉग ई, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख देंगे,
अब यहाँ से आएगा 2 माइनस 2 अपॉन ई प्लस ई, लॉग 1 की वैल्यू 0 हो गई और लॉग ई की वैल्यू 1, तो यहाँ से ज़रा देखिएगा यह हो जाएगा 1 अपॉन ई, ये 0 हो गया और यहाँ हो गया माइनस 1 इस तरह से। तो यहाँ से यह हो गया 2 माइनस 2 अपॉन ई प्लस ई माइनस 1 अपॉन ई, यह इसके साथ मिल जाएगा तो यहाँ से आंसर बनेगा आई इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ई माइनस 2 और माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 अपॉन ई और प्लस ई। तो इस तरह से यह आंसर आएगा। और जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन हमको मिलेगा, देखें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू ई प्लस 2 माइनस 3 अपॉन ई। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हुआ वह ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।